हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आज हम साइंस फैक्ट्स में एक इम्पोर्टेंट या बहुत इंटरेस्टिंग साइंस फैक्ट की बात करेंगे कि जब हम कोई कील ठोकते हैं, कील मीन्स नेल, इसको इंग्लिश में नेल बोलते हैं, जब वो हम गाड़ते हैं किसी चीज़ में, किसी वॉल में या टेबल में, लकड़ी में, तो उसका जो शार्प एज है वो हम नीचे करते हैं और जो थिक एज है वो ऊपर करते हैं। जो हैमर से जब हम मारते हैं तो ऊपर से यहाँ से मारते हैं और शार्प एज नीचे करते हैं, तो ऐसा ही हम क्यों करते हैं? इसे अपोजिट क्यों नहीं करते? शार्प एज हम ऊपर रखें और नीचे हम थिक एज रखें, ब्रॉड एज रखें, ऐसा क्यों नहीं करते? यहाँ से हैमर क्यों नहीं मारते हम? यहाँ हम हैमर क्यों नहीं मारते? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? इसके पीछे रीज़न क्या है? यदि हम ऐसे कील को अंदर किसी वॉल में डालने की कोशिश करें, ठोकने की कोशिश करें, तो क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? क्या ये ऐसा पॉसिबल होगा? तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, जब भी हम फोर्स लगाते हैं, जब फोर्स मीन्स बल, फोर्स लगाते हैं, तो ये नेल है, ये इसका शार्प एज है, यहाँ से हम फोर्स लगाएंगे, वो फोर्स कितने एरिया के ऊपर लगी है? इतने एरिया के ऊपर लगी है। इट मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया कुछ है, मीन्स यहाँ जो टोटल फोर्स लगी, सपोज करो 10 यूनिट है, ठीक है, वो सारी इतने एरिया के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जब वो सारी फोर्स, मोस्टली सारी फोर्स नीचे ट्रांसफर होगी, और वो फोर्स कहाँ आएगी? यहाँ आएगी। जब फोर्स यहाँ आ रही है तो वो सारी फोर्स इतने रीजन के अंदर, इतने एरिया के अंदर आएगी। 10 यूनिट फोर्स जो यहाँ अप्लाई हो रही थी वो अब इस शार्प एज के ऊपर आएगी। वो अब देखिए, यहाँ पर देखिए कि यदि मैं पर यूनिट एरिया फोर्स निकालूँ, दबाव निकालूँ, फोर्स का मतलब दबाव निकालूँ, तो क्या होगा? फोर्स मीन्स बल और प्रेशर मीन्स दबाव। तो यदि मैं यहाँ निकालता हूँ पर यूनिट एरिया, मीन्स इतने इतने एरिया को लेके निकालूँ, तो वो फोर्स कितनी आएगी? ज़्यादा वो कम आएगी, ठीक है। ये सारी फोर्स यहाँ आ गई। जब यहाँ आ गई तो वो सारी फोर्स जो पहले इतने एरिया में लग रही थी, अब वो क्या है? वो अब इतने छोटे से एरिया के अंदर लग रही है। तो क्या है कि यहाँ जो प्रेशर होगा, दबाव होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा। अब देखिए, यदि हम इसे अपोजिट करें कि यहाँ ये लेके यहाँ से हम हैमर यूज करें, तो क्या होगा? अब यहाँ जो फोर्स आएगी, यहाँ जो इतने एरिया पे फोर्स आएगी, वो आगे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी इतने एरिया के अंदर। तो इट मीन्स यहाँ इस जगह पे जो टोटल फोर्स है, इस जगह पे जो टोटल फोर्स है, इस जगह पे जो टोटल फोर्स, इस जगह पे टोटल फोर्स, इस जगह पे, इस जगह पे, ये सारी जो टोटल फोर्स है, उसका कैलकुलेशन यदि उसको ऐड कर दूंगा मैं, वो सारी फोर्स किसके इक्वल होगी? ओनली दिस फोर्स, वो सारी फोर्स इसके इक्वल हो जाएगी। अब यदि मैं इस साइड से बात करूँ तो क्या होगा? यहाँ यदि आप हैमर यूज़ करते हैं तो क्या होगा? देखिए, यहाँ हैमर जब आप इस पे हिट करोगे तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया, ये मैं यूनिट एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ये जो एरिया, ये इन पे जो भी फोर्स लगी, इन पे जो भी फोर्स लगी, उसका समेशन, उस वो इकट्ठा होके वो फोर्स कहाँ आएगा? वो फोर्स यहाँ आएगा, इस जगह पे आएगा, इस शार्प एज के ऊपर आएगा। इट मीन्स यहाँ जो फोर्स आएगा वो इन सभी फोर्सेस का कम्बिनेशन है। आप ये कह सकते हो यहाँ जो सारी फोर्स हैं वो सारी एडअप होकर यहाँ आ गई, वो सम अप हो गई, वो सारी फोर्स जुड़ के यहाँ आ गई। लेकिन जब मैं ऐसे करता हूँ तो यहाँ जो मैं फोर्स लगा रहा हूँ वो सारी फोर्स फैल गई इतने एरिया के अंदर। बड़ा इजी है कंसेप्ट ना समझने के लिए। यहाँ यदि मैंने ऐसे हैमर का यूज़ किया तो क्या हुआ? यहाँ जो फोर्स लगी वो सारी फोर्स इतने एरिया में फैल गई। जब मैंने ऐसे हैमर का प्रयोग किया तो क्या हुआ? जो यहाँ फोर्सेस लगी वो क्या हुआ? वो सभी फोर्सेस जुड़ गई यहाँ आके, और सभी फोर्सेस
सारी फोर्सेस कलेक्टिवली यहाँ आके काम कर रही हैं, और इसके ऊपर इतना फोर्स लगेगा कि ये इस वॉल के अंदर या इस वुड के पीस के अंदर ये अंदर चली जाएगी, इसके इसको फाड़ती हुई, इसको ब्रेक करती हुई इसके अंदर चली जाएगी। ठीक है, ये है कंसेप्ट कि नेल को हम जब हिट करते हैं, कहीं ठोकते हैं, कहीं गाड़ते हैं, तो क्या करते हैं उसको, उसका ब्रॉड पार्ट ऊपर रखते हैं और उसका जो थिन पार्ट है, पतला पार्ट है, शार्प पार्ट है, वो नीचे की तरफ रखते हैं। ये इसका रीज़न है। बहुत इजी कंसेप्ट है, समझ आ गया होगा। ये और भी कई जगह यूज़ होता है ये कंसेप्ट। प्रेशर, फोर्स लगाओ और उसके बाद प्रेशर ज़्यादा लो। ठीक है, यहाँ हमने फोर्स लगाया और यहाँ प्रेशर ज़्यादा बन गया, तो ये कंसेप्ट और कहाँ यूज़ होता है ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे ऐसे ही साइंटिफिक कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।